आप लोग देख सकते हैं ये गेट है और यहाँ से अंदर जाने वाला है, पर कोई है कि नहीं है देखते हैं। अंदर कोई बैठा है, आप लोग देख सकते हैं अंदर कोई बैठा है। अभी हमारे साथ दो चार बंदे हैं और इन लोग से मैं एक्चुअल में पूछता हूँ कि घर कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हो कौन सा घर है? ये सामने वाला। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं गुजरात के इखर के पावन धरती पर आ चुका हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल का घर दिखाऊंगा और उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। अभी मैं घर के ठीक सामने खड़ा हूँ और दिखाऊंगा आपको उनका घर कैसा है और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे हम बातें करेंगे। 12 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के एक छोटे से गांव इखर में। अभी 2023 चल रहा है और उनका एज 39 यानी 39 वर्ष का ये हो गए हैं। इनका घर दिखा दूं एक बार, आप लोग देख सकते हैं ये घर का बाउंड्री दिया गया है और ये सब नारियल का पेड़ लगाया गया है। कैमरे में साफ नहीं आ रहा है क्योंकि धूप ज़्यादा है इसके लिए। अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा घर का फ्रंट साइड से करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट के बहुत ही प्रेमी हैं, क्योंकि एक क्रिकेटर के घर के पास जिसका भी घर है और उनके घर के बच्चे जो भी है तो क्रिकेट का ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये लोग सब क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अमृत के ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ अपने चैनल पे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा अच्छा वीडियो आएगा और अच्छा जानकारी वाला वीडियो आएगा। भूले बिस्तरे जो भी चीज़ है, जो भी यादें हैं, वो चीज़ इस चैनल पे दिखाया जाएगा और जो नया न्यूज है उसको भी इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मैं पूरे चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल का घर गांव कौन सा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये चीज़ आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि अभी तक यहां का कोई आदमी ब्लॉग नहीं किया है और यहां का मेरा पहला ब्लॉग है जो कि आप लोग देख रहे हैं और आगे चल के भी मैं दिखाऊंगा उनके घर का पूरा कि कैसा उनका घर है। दोस्तों, यहाँ तक आने में बहुत सारा कठिनाइयाँ झेलना पड़ा और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तब जाके मैं यहाँ तक आया। फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नया नया वीडियो अभी आने वाला है आप लोगों के बीच, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जितना भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच आया करेगा। चलता हूँ आगे, ऐसे आप लोगों को दिखाता हूँ उनके घर का जो गेट है वहाँ से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं घर के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर मेन गेट है अंदर जाने के लिए। आप लोग को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देना चाहूँगा, ये गेट है और वो वाला आप लोग देख सकते हैं, वो वाला उसमें वो मुन्ना पटेल रहते हैं। अभी घर पे वो है नहीं, कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो अभी उनकी मम्मी और उनके पापा और दो तीन आदमी और है अंदर, जो उनके स्टाफ हैं वो अंदर है, उनके मम्मी और पापा हैं, बाकी वो अभी बाहर गए हैं घूमने के लिए, ऐसा मैंने पता किया गेट पे जाके। तो देख सकते हैं आप लोग घर, यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है इसके लिए अंदर का जो घर है वो दिखता नहीं है। घर के मैं ठीक सामने खड़ा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कुछ बच्चे अंदर काम कर रहे हैं और मैं आप लोग बताया था नारियल का पेड़ बहुत सा है वहाँ पर, तो कुछ बच्चे वहाँ पर पेड़ का जो डाली है उसको काट के बाहर निकाल रहे हैं। और मैंने बात भी किया था बच्चों से, तो वो लोग बोले कि बरोड़ा गए हैं, वहाँ पे उनका क्रिकेट क्लब है, तो क्रिकेट क्लब में सिखाते हैं बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए। तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताया, आप लोग देख सकते हैं गेट का ये रहा और अंदर घर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे मिले हैं और इनसे बात हुआ जो पूर्व क्रिकेटर
मुनाफ पटेल, उनका घर कहाँ है, तो वो लोग बताए कि हम घर के ठीक सामने ही खड़े हैं। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि यही घर है, कुछ आदमी बताए थे कि आगे मिलेगा, और मैं अचानक से यहाँ पे चार पांच बंदों को देखा, तो आके यहीं उन लोग से पूछा, तो ये बताया कि हमारे सामने, ठीक सामने उनका मकान है, आप लोग देख सकते हैं, यही उनका घर है। अभी हमारे साथ दो चार बंदे हैं, और इन लोग से मैं एक्चुअल में पूछता हूँ कि घर कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हो कौन सा घर है? ये सामने वाला घर। कौन सा? ये वाला, ये बड़ा सा। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। ये वाला? हाँ, ये पीछे वाला। पीछे वाला घर है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नारियल का पेड़ लगा हुआ है, और वो वाला घर है जिस घर में वो रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, और नीचे हॉल जैसा है, उस हॉल में वो बैठते हैं, और ये घर का दीवार है, बाउंड्री, और नारियल का पेड़ यहाँ पे बहुत सारा लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं आगे से, आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये गेट है, और यहाँ से अंदर जाने वाला है, और कोई है कि नहीं है देखते हैं। अंदर कोई बैठा है, आप लोग देख सकते हैं अंदर कोई बैठा है, और वो घर रहा पटेल साहब का, मुना पटेल का वो घर रहा, आप लोग देख सकते हैं, और अंदर कोई बैठा है उसके घर में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये घर का मेन गेट है, और ये बाउंड्री दिया गया है, जो कि उस साइड से मैंने आप लोगों को दिखाया था। अभी पेड़ यहाँ पे है, तो इसके लिए वो पीछे वाला जो भी घर है वो अच्छा से दिख नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं वही घर है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिलेगा। बेल आइकन को ऑल में इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियो डालता हूँ, वो वीडियो आप लोगों को अगर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसा ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।